जैसे इन लोगों का आरोप है, SDO साहब ने यहाँ रोक कर गया है और आप काम जो है रात में त्यौहार के में और आप काम जारी रखे हैं, क्या मतलब है? शटर जो लगा ये सब लगा कैसे डलाई सब नहीं होने से लगा, आप कोई काम नहीं कर रहे अभी, फिर क्या मतलब है? जो से गए थे बातचीत करने हैं, अभी हमको कोई काम नहीं, हमारा कोई बात काम नहीं चल रहा। आप कहाँ गए, आप क्या बोल रहे थे, बोलिए क्या आपका? हाँ आसिफ का ऑफिस था, नहीं अभी की बात बताइए, काम है जियो के बोलने के बाद आधार के रहने के बाद, अगर आता है बोल के चला जाता है फिर काम हो जाता है, रात को भी काम होता है दिन को भी काम होता है, अतिक्रमण हो रहा है। ये जमीन जो है आदिवासी लैंड भी इसमें है और हाउसिंग का भी नोटिस मिला हुआ। कौन काम कौन करा रहा है? डोंडा वाला करा रहे हैं, कौन कर रहा है, क्या नाम है कुछ बताएंगे? क्या नाम है? श्री शर्मा, श्री शर्मा करा रहा है, मालिक वही है। और ये हीरो होंडा वाला, हाँ हीरो होंडा वाला कंपनी है, उसके स्टाफ लोग हैं। देखिए सुबह से अभी आप देखिए वहाँ वेल्डिंग मशीन लगा हुआ है। गोविंदपुर में आज जो लोग हैं जिनकी मकाने बनी हुई है, जिनके घर बने हुए हैं, उसको हाउसिंग बोर्ड तोड़वा रहा है, नोटिस दे चुका है, लोग त्राहिमाम कर दिए, मेरी घरें तोड़ दी, छोड़ दिए, रांची तक दौड़ करके लोग गुहार लगा रहे हैं। और जो लोग यहाँ पर अपने घर बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ पर जो अवैध ज़मीन है, हमने SDO साहब से भी कहा, SDO साहब को बुलाया हुआ है कि छोटा गोविंदपुर नागरिक पंचायत समिति, उनसे निवेदन किया, उनको समस्या रखा, आने के बाद उनको कहा गया सिर्फ यहाँ जो घर था उनका, सिर्फ अपना जो मकान है वहीं पर उनका ज़मीन था, अवैध था सारा का सारा, 30,000 वर्ग मीटर जो जमीन है अवैध है। प्रधानमंत्री मनमोहन, इस पर बात, प्रधानमंत्री जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने कहा कि जल संचय के लिए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाया, बगल में यहाँ पर मत्स्य विभाग के द्वारा आवंटित जो है तालाब है उसको भर दिया गया, ये जो है हाउसिंग बोर्ड का जमीन है, 2 बार नोटिस दिया गया हाउसिंग बोर्ड की ओर से काम रोकने के लिए, नहीं रुका, थाना प्रभारी छुट्टी लेकर के चले गए। उसके बाद हमने DC साहब को कहा, SDO साहब आए यहाँ पर दौरा किए, काम रुकवाए, उसके बाद भी नहीं रुका, काम चलता रहा। आज हमने DC साहब से कहा जाकर के, DC साहब ने सुरेश साहब को बोला, थाना प्रभारी ना के काम रुका, उसके बाद भी अभी काम चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि व्यवस्था को किस तरह लोग चुनौती दे रहे हैं, कानून को ठेंगे पर रखे हुए हैं। मेरा एक कहना है कि कानून का राज होना चाहिए, लोगों को न्याय मिलना चाहिए, और जो ईमानदार और मेहनतकश लोग हैं उनको उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। ऐसे ना हो कि लोग यहाँ पर नजायज करें और जनता देखती रहे, लोग यहाँ कारोबार करते रहे अवैध जमीन पर, अवैध संपत्ति बना करके, ये नहीं चलेगा, किसी रूप में नहीं चलेगा। SDO साहब ने भी कहा कि टूटेगा तो हम लोग इसको तोड़वाएंगे।